हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फाइनली हम पहुंच गए लाओस का कैपिटल वेंटेन सिटी, और हम फिलहाल अभी है बान लाओस हॉस्टल। बहुत ही फेमस हॉस्टल है और स्पेशली ये सोलो ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट हॉस्टल है। आप मेरे पुराने ब्लॉग में देख सकते हैं कि मेरे साथ में है फ्रांस की लड़की जो ट्रैवल कर रही है लाओस वीज़ा रन मेरे साथ में, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि ये हॉस्टल में स्टे करना। और गलती से उसने पर्स भूल गई वहाँ पे सिम कार्ड और करेंसी एक्सचेंज जहाँ पे किया था हम लोग बॉर्डर पे, तो इमीडिएटली हम लोग रिपोर्ट किया था रिसेप्शन में। तो स्टाफ ने बहुत ही हेल्प किया, बहुत ही काइंड नेचर के लोग, इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करके उनका पर्सन को भेज के वहाँ से मंगवा के दिया है पर्स। फाइनली शी वॉज हैप्पी। और ये हॉस्टल में रहने के लिए बहुत ही मज़ा आया। मैं एक ही दिन था बट बहुत ही फन था। सेंटर ऑफ द टाउन है और मिक्स कल्चर अडल्ट है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आया है। रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ट्रैवल किया तो ज़रूर यहाँ पे स्टे कीजिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्रेंडली है हॉस्टल है। और आज का व्लॉग होगा नाइट मार्केट जो रिवर के बाजू में लग के है, मेंगकोंग के, मेंगकोंग रिवर। बड़ा सा मार्केट है नाइट मार्केट, नियरली 1 किलोमीटर स्टॉल्स लगे हुए हैं, स्टॉल्स आप देख सकते हैं वीडियो में। एक्सपीरियंस किया है मार्केट का, अच्छी प्राइस है, लोकल लोग आके शॉपिंग करते हैं यहाँ पे। काफ़ी क्राउड था, फैमिलीज टूरिस्ट नियर बाई यही था नाइट मार्केट। एक्सप्लोर किया हम लोग नाइट मार्केट, आप देख सकते हैं वीडियो में, मज़ा आ गया। डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट कल्चर है, नया कंट्री है, नए लोग हैं, नया मज़ा है, अच्छा लगा है। और यहाँ पे थाई करेंसी चलता है, हर जगह पे थाई करेंसी एक्सेप्टेबल है, तो कोई करेंसी का इशू नहीं है, सेम रेट है एक्सचेंज भी किया तो।